हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू आवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर सेकंड दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो अगर आपने इससे पहले की जो हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया हुआ है जिसके अंदर हमने चार्ज के बारे में बात की है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस के बारे में बात करी है तो अगर आपसे वो एक बेसिक वीडियो है बेसिक चैप्टर है जिससे अगर वो नहीं समझ में आएगा तो सेकेंड चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है तो आई से जैसे एक बार जरूर देख ले जिसका लिंक जो होगा उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की और फिर आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं वो क्या होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये कोई ओप पॉइंट है इस ओ पॉइंट पे आपका एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू पे लगा सकते हैं स्मॉल क्यू पे लगा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे सोर्स चार्ज का मतलब क्या होता है जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है एंड मान लेते हैं यहां कोई एक पॉइंट ए है जहां पर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है दैट इज टेस्ट चार्ज अब टेस्ट चार्ज क्या होता है वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल लेते हैं और हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं ठीक है एक तो पॉजिटिव लेते हैं और बहुत छोटा लेते हैं बहुत छोटे लेने का रीज़न ये होता है कि हमें क्या करना होता है हमें इतना छोटा लेना है कि, कि इसकी इस, इस चार्ज की वजह से इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो हमें सिर्फ़ इसको ऑब्जर्व करना होता है क्योंकि एक टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर टेस्ट करना है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है ड्यू टू दिसचार्ज डिस चार्ज इज़ अ सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या काम करता है हमें वो ऑब्जर्व करना होता है इसीलिए हम टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लेते हैं कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए ठीक है तो मान लो ये चार्ज को यहाँ पर पड़ा हुआ कोई है कोई ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर बी है ठीक है अब ए चार्ज से मुझे ये चार्ज बी तक लेकर आना है अब जैसे कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है आपस में क्या कर रहे होंगे रिपेल कर रहे होंगे तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो ये थी इसकी इनिशियल पोजिशन ये थी इसकी फाइनल पोजिशन अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी तो डिफरेंस हमें हमेशा कैसे लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल तो पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन यही रहेगा यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो अब हमने अब लिखना है वी बी माइनस वी ए तो क्या करेंगे हम लिखेंगे कि हमें कितना काम करना पड़ा वर्क डन टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो वर्क डन हमें करना पड़ा टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कौन सा चार्ज क्यू चार्ज दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है कि हमें कितना काम करना पड़ा इसको उठा के यहां तक लाने के लिए उसे हम उसका क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे क्लियर होगी ये बात अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये यह आती है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ रहे हैं हमने डायरेक्टली पोटेंशियल क्यों नहीं पढ़ा ठीक है ऑब्वियसली एक जगह पे हमें चार्ज बताना एक जगह पे हमें पोटेंशियल बताना है वो हम हमेशा कभी नहीं बता सकते हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ता है जैसे कि अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है वी ए पे कितना पोटेंशियल है सॉरी ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं ऐसे कैसे बताओगे आप बता ही नहीं सकते ठीक है उसके लिए भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कि कहीं और से कहीं और से हम किसी एक और पॉइंट से हम एक चार्ज उठा के यहाँ पर लेकर आ रहे हैं अब वो कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो रेफरेंस पॉइंट हम हमेशा इन्फिनिटी लेते हैं क्या लेते हैं इन्फिनिटी तो अगेन इसको हम कंसीडर करते हैं अगर मुझे निकालना है पोटेंशियल एट ए निकाला है कि वहाँ पर कितना पोटेंशियल है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें फिर से ऐसे ही हम मानेंगे कि यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज है ठीक है ये रहा पॉइंट ए यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है अब हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे दैट इज़ इन्फिनिटी अब इन्फिनिटी बहुत दूर कोई एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है अब उस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर हमें इस पॉइंट पर लेकर आना है और यहाँ पे बहुत प्यारी सी एक एग्जाम्पन होती है कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है ये किसने माना है ये सभी फिजिस्ट ने माना है सबने बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी पर बहुत दूर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है जीरो होता है ये आगे एक फॉर्मूला भी आएगा उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों माना था भाई पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो क्यों माना था तो आपको वो फॉर्मूला से भी और क्लियर हो जाएगा ठीक है तो अभी हम क्या कर रहे हैं हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एट वन पर्टिकुलर पॉइंट तो हम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा कर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है फ्रॉम ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए ठीक है तो यहां पर क्या रहेगा ये फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन पोटेंशियल एट infinity विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity टू पॉइंट ए और कौन सा चार्ज टेस्ट चार्ज ठीक है तो क्या हो जाएगा ये क्या होता है अभी अभी बताए पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो तो ये जीरो इसकी जगह पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइड में क्यू तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ए सिमिलरली फॉर आप बी के लिए भी निकाल सकते हैं अगर आपको सिर्फ बी के लिए निकालना है तो भी आप प्रेफरेंस पॉइंट क्या कंसिडर करेंगे कोई एक दूर से इंफिनिटी से चलता हुआ पॉइंट आ रहा चलता हुआ चार्ज आ रहा है जो पॉइंट बी पर आकर रुकेगा वहां तक लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा वो क्या रहेगा उस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा क्लियर है ये बात अब क्या मैं इस पॉइंट को ऐसी खींचती लेकर आ रही हूं नहीं मैं इसको ऐसे घुमा कर भी ला सकती हूं मैं इसको ऐसे से घुमा के भी ला सकती हूँ है ना मेरी मर्जी ये चार्ज की मर्जी वो सीधी लाइन में भी आ सकता है ऐसे घूम के भी आ सकता है ऐसे जिगजैग पाथ बनाते भी आ सकता है तो उसका मतलब क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के और हमने पढ़ रखा है कि कोई भी अगर आपकी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है तो उस क्वांटिटी को हम कंजर्वेटिव कहते हैं राइट तो ये पॉइंट नोट करने से पहले हम जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना काम किया टू इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू का मतलब क्या? ये भी positive, ये भी भी रिपेल कर रहे होंगे फिर भी हम इसको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं ठीक है थीके? तो इसे हम क्या बोलेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे अगर हम इसके यहाँ पर ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है पोटेंशियल पोटेंशियल की क्या होती है वॉल्ट होती है ठीक है तो वन वॉल्ट विल बी इक्वल टू वर्कडन की क्या होती है जूल दैट विल बी इक्वल टू जूल अपॉन में चार्ज है चार्ज की क्या लेंगे हम कुलम लेंगे तो वन कुलम तो वॉल्ट इज जूल पर कुलम तो ये हो जाएगी इसकी एस यूनिट राइट अब सेम इसी डेफिनेशन को देखते हुए अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था यहाँ पे हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है ना जहां पर हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो क्या बन गया था इंफिनिटी बन गया था अब इसको देखते हुए अगर हमने इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे डेफिनेशन बनाए बनेगी कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ठीक है यही रहेगा कि ए पॉइंट पे यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज पड़ा है यहाँ इन्फिनिटी पे हमारा टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है ठीक है हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट वैसे ही बन रही है डेफिनेशन तो फटाफट से लिख देते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फिर से क्या बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन मी चार्ज तो इसका भी जो ऐसा यूनिट रहेगी वो भी क्या रहेगी वॉल्ट दैट इज इक्वल टू जूल पर कूलम सेम रहेगा राइट right? तो यहाँ तक आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी हैं दो चीज़ें सबसे पहली चीज़ कि ये जो हमने वर्क डन किया है इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फिर फ्रॉम इन्फिनी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट तो ये जो हमने काम किया है वर्क डन जो हमने किया है ये क्या रहा है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ रहा है है ना कि हम घुमा के लेकर आए सीधा लेकर आए स्ट्रेट लेकर आए जिक्सैक्ट मोशन में लेकर आए जैसे मर्जी रहे तो ये क्या रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ तो जहां पर पाथ इंडिपेंडेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव कहते हैं ठीक है ठीके? तो जो इनके बीच में जो भी वर्कडन हो रहा है यहाँ से यहां तक लाने में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है ठीक है तो वो फोर्स जो है इनके बीच में वो क्या है कंजर्वेटिव है ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सेकेंड बात क्या है कि हमने जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना पड़ रहा है इन्फिनिटी दूसरा पॉइंट हमें जो लेकर आना पड़ रहा है वो क्या लेकर आना पड़ रहा है इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हम ये चीज याद रखेंगे ठीक है तो हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का कि दो पॉइंट से हम एक चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि दूसरा पॉइंट हम तक इन्फिनिटी मान लेते हैं ठीक है अब हम एक ऐसी चीज मानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ठीक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है ये कोई पॉइंट ओ है ठीक है जहां पर हमारा सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है ठीक है यहाँ कोई पॉइंट पी है ठीक है अब हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज ठीक है इस पे हमें क्या फाइंड करना है पोटेंशियल फाइंड uh, करना है तो अब सिंपल सी बात तो यही था हमने अभी अभी तो बात करी कि, कि किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो बाय डेफिनेशन क्या बनता है कि हम इसको यूनिट चार्ज को इन्फिनी से उठाकर यहाँ तक जब हम लेकर आते हैं जितना वर्क डन होता है उसे हम उसका क्या बोलते हैं वहाँ का उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ठीक है लेकिन अब हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर्मूला ड्राइव करना है ठीक है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एजम्पन्स लेनी पड़ेंगी ठीक है तो सबसे पहले एजम्पन हम ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट पी है ये यहाँ से आपस में आर डिस्टेंस की आर uh, डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं ठीक है थीके? अब हम इन्फिनीटी से लेकर इस पॉइंट के बीच में हम कुछ ऐसे दो पॉइंट मान लेते हैं जिनका डिस्टेंस हमें नोन हो ठीक है तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है ठीक है और इनका हम डिस्टेंस मानते हैं कि ए पॉइंट का यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है ओके okay? और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डी एक्स है वेरी स्मॉल डिस्टेंस तो हमें पता है अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करती हूँ तो एक पॉइंट पे बात करते हैं तो क्या आता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनी टू डैट पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइड में वो चार्ज होता है ठीक है और अगर हम इसको सोचें डन के फॉर्मूले पे जाते हैं तो छोटे क्लासेस में हमने क्या पढ़ रखा है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट पढ़ रखा है हमने ठीक है अब फोर्स के फॉर्मूले पे अगर हम जाते हैं तो फोर्स क्या होगा कि अगर ये चार्ज है ये चार्ज है इन दोनों के बीच में चार्ज के बीच में क्या फोर्स होगा वो क्या होता है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा था वन अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट फिर क्या होता है आ, सोर्स चार्ज इन टू टेस्ट चार्ज डिवाइड में उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर है ना उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो सबसे पहले हमने फोर्स निकालना है फिर हमने निकालना है वर्क डन फिर हमने जाना है ये पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाना है ठीक है तो हम सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की तो अगर मैं फोर्स की बात करती हूं तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारा चार्ज इंफिनिटी पे नहीं पड़ा हुआ ठीक है हमारा चार्ज पड़ा हुआ है क्यूँ पे पड़ा हुआ. ए सॉरी ए पॉइंट पे पड़ा हुआ तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे इन्फिनिटी को कैलकुलेट तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना कि दूर तक पड़ा हुआ है वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है फिर वो हमारे से फॉर्मूले में दिक्कत आ जाएगी हम ये मानेंगे कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है ना इन्फिनिटी पे ना पड़ा होकर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ये है यह हमारा सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है हमारा टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम

तो ये फोर्स हमें पता चल गया अब हमारा क्या काम है वर्क डन निकालना ठीक है अब कौन सा वर्क डन होगा यानी कि ए चार्ज ए पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक अब हमें लेकर आना है इस चार्ज को तो उसमें कितना वर्क डन लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है ठीक है और आपको पता ही है फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं इतने बड़े बड़े डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं हम छोटे छोटे डिस्टेंस मानते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम ऐसे ही कि बड़े डिस्टेंस हम ट्रैवल करके कर जाएंगे तो उसमें एरर बड़ा ज्यादा आ जाएगा ठीक है बहुत एरर आ जाएगा तो हम क्या मानते हैं कि पॉइंट चार्ज जो है ना वो यहाँ से यहाँ आया फिर ऐसे उसने ट्रैवल किए ठीक है तो हम पहले कंसीडर करेंगे कि छोटा सा उसने कितना करा तो पहले हम वो स्मॉल सा डिस्टेंस स्मॉल uh, सा हम डन फाइंड करेंगे ठीक है तो हम लिख सकते हैं स्मॉल वर्क डन स्मॉल डन के लिए क्या होगा डी डब्ल्यू रहेगा इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी राइट तो हमें पता है क्या होता है ठीक है फॉर्मूला फोर्स uh, जो है एफ uh, हम अभी के लिए मान लेते हैं एफ एंड डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिसप्लेसमेंट है डी एक्स है एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग की फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है ये positive, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन लग रही है है ना लेकिन हम चार्ज को इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं फोर्स इधर लग रहा है फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारा वर्कडन क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा ठीक है तो आप यहाँ पे नोट डाल के भी लिख सकते हैं नेगेटिव वर्कडन क्यों हो रहा है हमारा बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एज इन ऑपोजिट डायरेक्शन छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है तो हमने स्मॉल वर्कडन निकाल लिया इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट तो अब हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए स्मॉल वर्क डन निकाल लिया अब हमें चाहिए कंप्लीट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट दिस पॉइंट तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सारे स्मॉल वर्क वर्कडन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो लिखेंगे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ठीक है अब ये जो डी डब्ल्यू है की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है दैट इज माइनस माइनस एफ डी एक्स ठीक है और हम लिमिट्स अगर पुट करते हैं डिस्टेंस की तो वर्क डन क्या होता है कि यहाँ तक काम करना कितना पड़ा इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P तो इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट और P पॉइंट जो है वो आपका Q से कितने डिस्टेंस पे है R पे है तो ये हो जाएगा R राइट right? उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फोर्स की फोर्स आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे इंफिनिटी टू आर वन अपॉन में फोर पाई एपसो नॉट क्यू क्यू बाई एक्स स्क्स अब जो भी कांस्टेंट है ये आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस वन अपॉन में फोर पाई एपसो नॉट क्यू क्यू इन्फिनिटी टू आर वन अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो याद करिए इंटीग्रेशन क्या होती है रूल्स कि जब हमारे पास x की पावर n होता है ऐसे dx होता है तो हम क्या करते हैं x की पावर n प्लस वन अपॉन में x की पावर n प्लस वन ये रहता है हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल तो यहाँ हम क्या करेंगे यहाँ x की पावर क्या है टू है ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस टू डी हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन विच इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन अपॉन में पावर माइनस वन है ना तो ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन ठीक है तो वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू क्यू अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट और इस पूरे की जगह पे हम ये लिख देंगे माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स और लिमिट्स कहाँ जाएंगी इंफिनिटी टू आर अब लिमिट्स पुट करते हैं लिमिट्स कैसे पुट होती हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ठीक है तो ये प्लस क्यू क्यू अपॉन में फोर पाई एप्स नॉट एक बार एक्स की जगह पे हम आर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है वन बाय इंफिनिटी इज जीरो तो ये तो हो गया जीरो क्या बचा वन बाय आर बचा तो यहाँ से वकडन का फॉर्मूला क्या निकल के आया आपके पास q q अपॉन में फोर बाई एप सॉट इंटू वन बाई आर तो ये आ गया आपके पास क्या वकडन का फॉर्मूला तो हम वापस चलते हैं हमने क्या कर रहे थे हम हम पहले फोर्स फिर वर्क डन तो फोर्स निकाल लिया वर्क डन निकाल लिया अब वापस आप अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज जो भी हम ब्रिंग करके लेकर आते हैं तो अब डायरेक्ट हम फॉर्मुला लिख देते हैं दैट इज W इक्वल्स टू सॉरी V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q तो W Q Q अपॉन में फोर पाई एप्सुलॉट वन अपॉन में R डिवाइड में क्यूँ क्यू से क्यू कैंसल दैट एम्प्लाइज जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वो क्या आया है क्यू वन में फोर पाई नॉट इन टू वन बाई आर ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से आप एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट इज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानि कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना कम आर होगा या आप इसको ऐसे भी देख सकते होगे जितनी हम दूर आर होगा यानी कि ये पॉइंट जितनी हम दूर रखेंगे उतना वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कम होगा ठीक है इसको आप और भी समझ सकते हैं अगर मैं आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज हम मैं रख देती हूँ इन्फिनिटी आर को अगर आप इंफिनिटी रख देते हो तो वन बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा जीरो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो जो हमने बिल्कुल फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो ये मैंने कहा था आगे जब हम फॉर्मुला ड्राइव करेंगे तो हम समझ में आएगा तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया Q अपॉन में फोर बाई एपल नॉट इंटू वन बाई आर यानी कि जितना हम दूर लेकर जाएंगे यानी कि सोर्स चार्ज से जितनी दूर हम जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कम होता जाएगा तो अगर इतनी दूर चले गए कि आर हमारा इन्फिनिटी ही हो गया तो हो गया जीरो तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इट इज जीरो तो अब हम इसी एग्जन को ध्यान रख के अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारा कैसे बनता है कि जब कभी भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि इस साइड हमने ले लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है और इस साइड आ गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज ठीक है तो ये हो गया इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना तो इसका ग्राफ कैसा बनता है कुछ ऐसा बनता है इसका ग्राफ और ऐसे ऐसे चलता रहता चलता रहता है इन्फिनिटी तक ठीक है तो ये हो गया आपका V के लिए ग्राफ सिमिलरली अगर आपने नोटिस करा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वन अपॉन में फोर पाई एपसो नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है आपकी इन्वर्सली प्रपोर्शनल्स टू आर स्क्वायर ठीक है तो वो वाली जो चीज़ रहती है वो ऐसे रहती है ये V के लिए है तो मैं ई के लिए आपको रेड पेन से मार्क कर देती हूँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी ऐसे जाएगी और ऐसे इसको कट करते हुए ऐसे नीचे से जाएगी तो इसका ज़्यादा स्टीप कर्व रहता है क्योंकि ये आर स्क्वायर है यहाँ पर आर है तो ये हो गया वी के लिए टू आर स्क्वायर के, तो e, के लिए कर्फ है तो ये आप बी यहाँ पे लगा सकते हैं एंड ई e भी मान सकते हैं बी या फिर ई e, दोनों के लिए ही है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज ठीक है तो अब करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नमेरिकल जो आपके एन सी आर टी में भी गिवन है दैट इज एग्जाम्पल टू पॉइंट वन तो एग्जाम्पल टू पॉइंट वन क्या कह रहा है सबसे पहला पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑफ फोर इंटू टेंटर माइनस सेवन कूलम लोकेटेड नाइन सेंटीमीटर अवे ठीक है तो ए पार्ट है इसमें हमें क्या करना है किसी कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी तो कोई एक चार्ज क्यू है ठीक है यहाँ पे मान लो कोई चार्ज Q है कितना है फोर इंटू टेन की पावर माइनस सेवन कुल है ठीक है कहीं कोई पॉइंट पी है जो इससे कितनी दूर है नाइन सेंटीमीटर दूर है तो इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है ठीक है तो लेट दिस पॉइंट बी ओ लेट दिस पॉइंट बी पी तो हमें पता है कि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू वन अपॉन में फोर पाई एप्सल नॉट चार्ज इधर यून इट एज क्यू या फिर कैपिटल क्यू तो हमने कैपिटल क्यू ले रखा है तो कैपिटल क्यू लगा देते हैं तो कैपिटल क्यू बाई आर आर मतलब कि वहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अब इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो क्या आती है एक तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हम डायरेक्ट पुट करते हैं दैट इज़ नाइन इंटू टेंट टू पर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू चार सी कितनी है फोर इंटू टेन की पावर माइनस सेवन कोलम डिवाइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है नाइन सेंटीमीटर लेकिन हम सब चीज़ें किस में मेजर करते हैं ऐसे यूनिट्स में तो हम इसको क्या लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट नाइन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन मीटर तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन मीटर ठीक है जब हम इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो एक तो ये कैंसिल हो रहा है यहां से ठीक है जीरो एडजस्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास फोर इंटू टेन की पावर फोर और इसके ऐसी इस यूनिट क्या होती है वॉल्ट तो पोटेंशियल इक्वल्स टू फोर इंटू टेन टू पावर फोर वी डी मतलब कि यहां पर वी होता है वॉल्ट ओके तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का राइट सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ टू इन टू टें माइनस नाइन कुलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पी डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ एलॉन्ग विच द चार्ज इज फ्रॉट अब इस पॉइंट पी पर अब इस पॉइंट पी पर हमें एक चार्ज ये है ये लेकर आना है फ्रॉम इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से ये वाला चार्ज हमें यहाँ पर लेकर आना है तो हमें कितना काम करना पड़ेगा कितना वर्क डन होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं वर्क डन का बिकॉज हमें पता है वर्क डन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं या हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कैसे डिफाइन करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट तो कितना वर्क डन होता है वही वहां का उसका पोटेंशियल होता है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे वहां का पोटेंशियल तो सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं कैसे निकालते हैं यहां का पोटेंशियल पोटेंशियल एट पी क्या होगा पोटेंशियल एट पी डब्ल्यू अपॉन में चार्ज वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज डिवाइड में क्यू ये हमने अभी डेरिवेशन में किया था ठीक है तो इंफिनिटी पे तो क्या होता है पोटेंशियल जीरो होता है ठीक है तभी क्या हो गया बी पी माइनस वी नॉट ये तो हो गया आपका जीरो तो क्या बच गया सिर्फ पोटेंशियल एट वी तभी आ गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनी टू पॉइंट पी कौन सा चार्ज क्यू चार्ज ठीक है अब हमें वर्क डन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पी इन चार्ज तो पोटेंशियल एट पी कितना पोटेंशियल है पी पे वो तो हमने अभी फर्स्ट पार्ट से निकाला है कि कितना पोटेंशियल एट पी पर ये रहा फोर इंटू टेन एस टू पार्ट फोर

कि ये जो वर्क डन होता है ना ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं चार्ज उठा के ऐसे घुमा के लेकर आई हूँ स्ट्रेट लेकर आई हूँ या ऐसे जिकजैक्ट पाथ में घुमाते फिराते लेकर आई हूँ तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन पर कहाँ से उठा के हम कहाँ लेकर आए हैं तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे तो सिंपल हम लिखेंगे नो वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट या डजोंट डिपेंड ऑन पाथ ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल टू पॉइंट वन थैंक यू दॉल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया हुआ है पढ़ा हुआ है आई होप आप एक बार उसकी रिविजन जरूर करेंगे तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक और इजी रहेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उससे रिलेटेड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाली थी फर्स्ट चैप्टर में इससे रिलेटेड हम पोटेंशियल निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू दैर सॉल फॉर दिस वीडियो